तो हेलो गाइस, तो गाइस अभी हमारा घूमने का प्लान बन रहा है आज। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आज बहुत तेज बारिश आई हुई है सुबह से, और आज संडे भी है। और देख सकते हैं आप हमारा वासु भाई ये लेटा हुआ भी यहाँ पे, और इसको भी अपना मजे में सो रहा है। तो गाइज अभी देख रहे हैं अपने यार दोस्तों को फ़ोन करके, घूमने के लिए चलते हैं। चिल्ला में ही जाएंगे, और तो कहीं जाने का हमारे पे ऑप्शन है नहीं आज, तो चलते हैं, लेट्स गो। गाइज जो आप लोग ये चौक देख रहे हो ना, ये यहाँ पे इतना पानी था ना यार, सुबह के टाइम सुबह इतना पानी था, यहाँ यहाँ तक के पानी भरा हुआ था। ये देखिए आप, वो देखो आप कितना पानी भरा पड़ा है यहाँ पे, इतना पानी की इतना पानी कोई हद नहीं है पानी। डब्ल्यू गाड़ी खराब ले आया जा रहा है, वो भी BMW ऐसी गाड़ी खराब हो गई, समझ रहे हो। पानी देख कितना, पानी देखो आ रहा गाइस। ये सुबह ना पूरा भरा पड़ा था पानी में। मैं आपको एक वीडियो मतलब अलग से क्लिप डाल दूंगा, वो मैंने मेरे पास है व्हाट्सएप पे, वो आपको क्लिप दिखाऊंगा मैं। देखना आपकी कितना पानी भरा पड़ा था यहाँ पे। और फिलहाल हम चिल्ला जा रहे हैं, मेरे साथ वासु भाई है, मैं हूँ, साथ में आपका चहिता दोस्त मुकुल भाई, और साथ में कार्तिक है, अभिषेक है, और सन्नू है देवान से, और गौरव और राजन को भी कहा था मैंने, पर गौरव कह रहा कि भाई मैं लेट हो जाऊँगा, तो तुम दो लोग चले जाओ। तो गाइज अभी हम निकल चुके हैं, अभी हाफ रास्ते में पहुँच चुके हैं हम, तो पहुँचते ही फिर मिलते हैं आपसे। और गाइज हाँ मतलब कि आज इतने टाइम बाद निकल रहे हैं ना घूमने के लिए, बहुत 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 ज़्यादा टाइम बाद निकल रहे गाइज हम घूमने के लिए। और फिर क्या हुआ, अब धूप निकल गई, ठीक है। धूप निकलने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जाम लग गया, बहुत तगड़े वाला जाम, जो कि आपने अभी देख लिया होगा। ये तो बात है, धर्म नगरी हरिद्वार है गाइस, ये सामने आप देख रहे होंगे ना ऊपर जो मंदिर है, ये है चंडी देवी। तो गाइस फाइनली हम चिल्ला में एंटर हो चुके हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो फैमिली नया दिन नई शुरुआत आप सभी लोगों के साथ। तो गाइस ये देख सकते हो आप कितना ठंडा मौसम हो रहा है भाई यहाँ पे, गाइस इतना मस्त मौसम हो रहा है ना, बिल्कुल चिल्ड हो रहा है। भले यहाँ पे आप देख सकते हो धूप निकल रही है, पर मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, बिल्कुल ठंडा मौसम हो रहा है अभी फिलहाल। और मौसम देखो यार क्या सुहाना हो रहा है, सुहाना तो फेल है। ओए यार चल भाई, देवा शांत हो। देख गाइस अभी देवांश की बहुत तगड़ा वाली लड़ाई अभिषेक से, क्योंकि इन्होंने बताया उसको कि मैं रास्ता गलत, अरे वो मग आगे मैं बहुत पीछे खड़े, बहुत ही पीछे है वो हमारे से। ये देखो सुनसान जगह कितनी मस्त, चेक करें आप, ओनली पूरी रोड पे हम थे, पर पीछे सब गाड़ी आ चुकी है। ये देखो देवांश भाई अपना हेयर स्टाइल बना रहा, वैसा लग रहा जैसे झाड़ी आए नहीं, ऐसा ही लग रहा उसकी जान लगी है, करंट तो लगेगा। अरे नहीं मैं चिल्ला पहुंच गया यो चिल्ला नहीं है, नदी यो है चिल्ला। 12:40 पे पहुंच गया शाम को पहुंचा। सन्नू ने बताया क्या कहें भाई, मैं तो वहाँ पुल पे खड़े बस इसलिए मैं गया गाड़ी लेके। हाँ बता, सन्नू ने पूछा राजीव नेशनल पार्क पे खड़ा ना, हाँ पूछा तूने क्या बोला, राजीव नेशनल पार्क पे खड़ा, उससे पहले उससे पीछे थे राजीव नेशनल पार्क के गेट से, पर आवाज तो आ रही तुम्हारी आई भाई। चलो चलो गलती किसकी, चलो चलो गाइड आओ, चलो चलो मैंने अपनी
स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग इस रास्ते को याद करें पहले को और फिर मुझे याद करें, क्योंकि आप लोग जान चुके हैं कि मैं कहाँ पे आया हूँ। चिल्ला के अंदर हम मछलियों के लिए बिस्किट लाए थे, ये रहे, एक खा लिया, दो मछली, एक वैसे हमने चार लिए थे, एक मैंने खा लिया पीछे हटे हटे। यहाँ पे तो पहले से ही गाड़ी खड़ी, पर कोई बात नहीं, हमारे पास भी चार बाइकें हैं। बाइकें लो भाई, यहाँ तो लोग बक पहले से ही ना रहे हैं। अभी दो मिनट रुको, पहले मैं देख लूँ क्या सीन है। आ चुके हैं हम सभी लोग, ये रहे बिस्किट, और अब खिलाएंगे मछलियों को, जिंदा मछलियों को चारा खिलाएंगे। देखो यहाँ आगे मछलियाँ, तो गाइज अभी फिलहाल हम घूम फिर लिए और भाई अपना पूरा मजा कर लिया है। अब चल ले गाइज हम अपने घर पे। यार एक बात, हम पूरे भीग गए, लोअर जूते वगैरह टी शर्ट सब भीग गए, क्योंकि वो हमारा जब तक ताऊ है ना, ताऊ हमारा बुड्ढा इतना भाई साहब देखो जिगर के छल्लो ढोकी बढ़िया का पीछे। तो गाइज देखो पीछे, हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ, बताओ क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है, आनंद आनंद, ठंडा ठंडा पूल को। गाइस मैं यहाँ पर उल्टा बैठ के जा रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत दिन बाद मुझे आपके से कुछ दो नमूने आते हुए दिखे, बहुत तगड़े तरीके के नमूने। ये देख सकते हैं आप, ये आ रहे दो नमूने, नमूनों की खान। गाइस थोड़ा इनका सीन दूसरा है, आप लोग समझ जाइए। चल मुगल एक शायरी हो जाए, एक शायरी ले भाई कार्तिक भाई, एक तेरे किरदार के चित्र बना देते हैं हम। अच्छा एक प्यारी चीज कर डाला आप तेरी गाइस अभी हम फिलहाल अपने अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा थक गए यार, मतलब बिल्कुल, मतलब भाई इतनी मस्ती करी दोस्तों के साथ, बहुत ज्यादा मस्ती करने के बाद भाई अभी थक चुके हैं। वैसे भी घर नहीं आ रहे हम, अभी हमारा प्लान बनाया कुछ खाने के जाने के लिए। तो गाइज अभी क्या सीन है हमारा कि अभी हम जा रहे हैं मोमोज खाने के लिए। एक भाई मतलब कि चाचा जी है हमारे, तो मतलब कहते हैं कि उनके आगे भाई मोमोज आज आपको मतलब कि टेस्ट तो करा नहीं सकता गाइज आपको, ना आप आगे देख सकते हैं, पर हाँ ये कि आप अपनी 11 नंबर की गाड़ी से आप लोग अब मोमोज खाने जा सकते हैं आप लोग। और ये मोमोज मतलब कि सीतापुर में मिलते हैं हमारे यहाँ, और कहते हैं अभी चलते हैं आपको वहाँ पे रास्ता दिखा दूंगा मैं थोड़ा बहुत, कि मतलब किस किस तरह का रास्ता है वहाँ पे जाने का, कहाँ पे मोमोज मिलेंगे आपको, चलो चलते हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं सीतापुर का रास्ता है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ से आप बिल्कुल सीधा आते हुए कौन सा हो गए, तो आप यहाँ बिल्कुल सीधा आते हुए बस यहाँ पे हमारा मोमोज की एक दुकान आने वाली है, जहाँ पे खाने वाले हैं अभी बैठ कर। दुकान
यहाँ से गली में। ये लो भाई हमारा पहले से ही यहाँ पे दो जने वेट कर रहे, आ जाओ। तो इस गली में आते हुए यहाँ पे सीधा हम लोग आए माय मोमोज सेंटर पे मोमोज खाने के लिए। तो गाइज आप जब भी यहाँ पे मोमोज खाने के लिए आओगे आपको यहाँ पे मतलब राहुल भाई सबसे पहले मिलेंगे, ठीक है भाई। ये दुकान में मतलब कि चाचा जी का ही मतलब भांजा है, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो भाई मोमोज खाने के लिए। भाई बहुत बढ़िया मोमोज यहाँ पे। गाइज ये क्या हुआ कि जब मैं वीडियो बना रहा था ना, तो मतलब कि इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाई आवाज़, पता नहीं क्यों नहीं हो पाई रिकॉर्ड आवाज़। तो अभी देख सकते हैं आप, हम सभी लोग भाई बैठे थे भाई मोमोज का वेट कर रहे थे अपने आने का, पर भाई मोमोज एक नंबर के मोमोज थे भाई जब मैंने खाए थे भाई, बहुत टेस्टी मोमोज थे। और अभी आपको मैं मेन्यू भी दिखा दूंगा पूरा, मतलब किस क्या रेट है क्या रेट नहीं है आप लोग भाई। तो गाइज आप लोग सीतापुर में आके पता कर सकते हैं कि भाई संजू फास्ट फूड के नाम से भाई आपको कोई भी बता देगा, बच्चे से बच्चा बता देगा भाई, इतने फेमस है भाई मोमोज भाई चाचा जी के यहाँ के। तो भाई आगे आप देख सकते हैं भाई वीडियो, हम सभी लोग बैठे हुए थे और फिर भाई मैं आपको मेन्यू दिखा देता हूँ भाई, मेन्यू आ जाएगा आपका भाई, मेन्यू आ चुका है भाई, मेन्यू देख लीजिए। और फिर उसके बाद क्या हमने हमारे मोमोज आ गए थे, मोमोज आ चुके हैं, ये लगे पड़े। चटनी खत्म हो गया, धन्यवाद भाई राहुल भाई, मसाला इस पर डाल दो थोड़ा। अभी तो मोमोज इसे टेस्ट करें, तो चलो मैं ही कर लूंगा तुम पहले मोमो टेस्ट कर लेते हैं। गरम हो गया टेस्ट कर मसाला, गाइस आधे मोमोज में स्वाद है पूरा मोमोज खा के बताऊं भाई, ये तो लग रहा मजा आ गया, बहुत बढ़िया लग रही है। देखिए ए आराम से भाई वासु, आराम से वासु कैसे लग रहे हो मोमोज? हाँ भाई अगर आप लोगों को आना हो ना भाई सीतापुर में, कौन सा स्कूल है कॉलेज? धूम सिंह पब्लिक स्कूल। हाँ धूम सिंह स्कूल है मतलब वहाँ पे आना, वहाँ लिखो सिद्धा स्कूल है, यहाँ पे आप लोग आ सकते हो खाने के लिए। बहुत बढ़िया मोमोज लगते हैं, चिकन मोमोज भी है, पनीर मोमोज भी है, वेज मोमोज भी है, सारे मोमोज है यहाँ पे लोग, बार आना मैं मस्त मोमोज है यहाँ पे। तो गाइस अभी खाना पीना हो चुका है, तो अभी भाई घर से फोन भी आ गया, तो अभी जा रहे हैं। और भाई राहुल भाई यार भाई मोमोज बाके में एक बार आप आना, मेरे कहने से आना भाई, बाके में बहुत मस्त मोमोज है। तो भाई अभी फिलहाल पेमेंट वगैरह करके चलते हैं अपना घर पे, और आज इस व्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आप सब लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा, तो इस वीडियो को करते हैं लाइक। प्लेट का रेट प्लेट का रेट मैंने बता दिया भाई, प्लेट ये लिखे हुए और कोल्ड ड्रिंक भी आपको यहीं मिलेगी, ठीक है। तो गाइस इसी व्लॉग को आज करते हैं एंड, आई होप आप सब लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगा, तो इस वीडियो को कर दें लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी से एक और नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बाय।